सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूले। कोरोना विरुद्ध लढ्यात 108 रुग्णवाहिकांचं योगदान। आज या कोरोना विरुद्ध संपूर्ण देशाचे डॉक्टर, पोलीस, पॅरामेडिकल स्टाफ किंवा इतर अहोरात्र लढत आहेत। या लढ्यात महाराष्ट्र राज्य आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा म्हणजेच 108 अँब्युलन्सची सेवेचे कर्मचारी व अधिकारी यांचाही खूप मोठं योगदान आहे। 108 रुग्णवाहिकांवर ड्यूटी करणारे डॉक्टर्स व ड्रायव्हर अहोरात्र आपली सेवा देत कोरोना संबंधित रुग्णांची वाहतूक करत आहे व यासोबतच कोरोना वगळता दुसरे रुग्णांनाही आपली सेवा पुरवत आहे, जे कौतुकास्पद आहे। संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यात एकूण 14 रुग्णवाहिका सध्या कार्यरत आहेत। आजपर्यंत संपूर्ण जिल्हाभरात कोरोना संबंधित तब्बल 765 रुग्णांची वाहतूक 108 रुग्णवाहिकांद्वारे करण्यात आली आहे। यासोबतच आजपर्यंत कोरोना संबंधित 70 रुग्णांना परत त्यांच्या घरी सोडवण्यात आले आहे। क्राईम एफआयआर साठी फिरोज खान यांचा रिपोर्ट, नंदुरबार। फिलहाल नंदुरबार जिले के अंदर टोटल 14 एम्बुलेंसेस काम कर रही है। माननीय कलेक्टर साहब डॉक्टर राजेंद्र भारुड़े इनके आदेश के हिसाब से नंदुरबार जिले की पूरी टोटल 14 एम्बुलेंसेस जो है वो कोविड-19 केयर के लिए जो है हम लोगों ने इस्तेमाल की, जिन्होंने जो है कोरोना संबंधित जो भी पेशेंट्स थे उनका ट्रांसपोर्टेशन किया। जैसे पॉजिटिव पेशेंट्स है स्वैब के लिए, क्वारंटाइन सेंटर के लिए, उनको वापस घर पे छोड़ने के लिए, ऐसे कामों के लिए 108 एम्बुलेंस को जो है इस्तेमाल किया और 108 एम्बुलेंस में इसके लिए योगदान जो है काम करने वालों ने दिया। उसी तरीके से जो है कोरोना के अलावा जनरल कॉल्स भी, जनरल पेशेंट्स भी 108 एम्बुलेंस के जरिए से अटेंड किए गए। जैसे एक्सीडेंट के केसेस, प्रेगनेंसी के केसेस, एब्डोमिनल पेन के, स्नैक बाइट के, जो भी इमरजेंसीज है उनके अंदर भी 108 एम्बुलेंस ने जो है अपनी सेवा को दिया है। और मैं समझता हूँ कि आज तक जिले के अंदर जब से कोरोना का पहला पेशेंट मिला तब से लेकर आज तक पूरे स्टाफ ने जो है 108 एम्बुलेंस के अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश की, दिन और रात अच्छे तरीके से मेहनत की है, जिसके नतीजे में आज जब से कोरोना के लिए नंदुरबार जिले में गाड़ियां इस्तेमाल की है, एम्बुलेंसेस इस्तेमाल की, तब से लेकर आज तक लगभग 765 पेशेंट कोरोना के जो है सस्पेक्टेड बोलो या फिर क्वारंटाइन सेंटर के लिए बोलो या पॉजिटिव बोलो, 765 पेशेंट जो है पूरे जिले की एम्बुलेंसेस ने मिलकर जो है ट्रांसपोर्टेशन किया है। और उनमें से जो है लगभग 70 पेशेंट्स को हमने उनके घरों के ऊपर अच्छे हो जाने के बाद जो है वापस छोड़ा है, जिसके लिए हमको एक अच्छी खुशी है। बहुत अच्छे से हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में भी, ये लड़ाई काफी लंबी है, आने वाले समय में भी हम लोग उसके लिए तैयार है और अपना पूरा पूरा योगदान देने के लिए और अपना पूरा बेस्ट देने के लिए हम लोग कोशिश करने वाले हैं। ठीक।